नया दिन नया ट्रैक। आज हम चालू करने वाले हैं सतपायरी ट्रैक यहाँ से। इसकी शुरुआत ही थोड़ी वैसी हुई है, इसका प्रॉपर रास्ता बना हुआ नहीं है। कोबरा का स्किल। हम लोग रास्ता ढूंढ रहे अभी। वो लोग डाइवर्ज हो गए। किस साइड आना है रोहन? अब रास्ता मिला है, बट ये रास्ता तामिनी घाट जाता है पीछे, तो हम साइड से कहीं से आए हैं। दिस इज लाइक अ प्रॉपर ट्रैक। नॉट येट। आते टाइम मजा आएगा बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न है ये सतपायरी वाला ट्रैक। खुद से नहीं किया जा सकता, कोई लोकल आपको लाना पड़ेगा साथ में। इतना नीचे है शमशान घाट। इसका रास्ता किधर से है? अच्छा है उधर। This is the Konkan we don't get to see, like. We usually go down Lonavala, Khandala Road. बहुत सारे buildings दिखते हैं नीचे। खोपोली के। अभी यहाँ से नीचे बहुत उतरने वाले हैं क्या? नहीं, हम बहुत नहीं उतरेंगे, लेकिन काफी। ये घाट का more than 60% का हम उतर जाएंगे। Oh, okay. And Satpairi मतलब क्या? Do we see like seven stairs? इसलिए इसका नाम वो? You'll see when we are at the waterfall, you'll see the cascades. अच्छा, those are steps, yeah, rocks that give it a Satpairi feel. Nice. Yeah, the waterfall is coming down from multiple different streams, cascading over into a. And हम उसी waterfall में जाएंगे? Yeah. Oh, nice. Fall ऐसा massive नहीं है वहाँ। हाँ हाँ। Because ये इतने सारे steps हैं बीच में कि it cuts down, but then there's one waterfall which is right in the jungle. It's slightly inaccessible there, but then yeah, you'll hear the thundering sound. Oh, nice. ये पूरा नीचे इधर कोकण है। बोल रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत है। काफी नीचे आ गए, डायरेक्ट कोंकण में। फॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली धूप है, बिकॉज जब वो करते हैं बारिश होती है तब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ये ट्रैक, मैंने सुना है, क्योंकि वाटरफॉल बहुत ज़्यादा उसमें आता है फोर्स में। वन ऑफ द वाइल्डेस्ट ट्रैक्स ऑफ ऑल टाइम्स मेरा पर्सनल। नाइस, काफी सही। ऐसे पैचेस हैं स्लिपरी। I can understand how लोग गुम जाते हैं। बहुत बार आना पड़ेगा ये रास्ता याद करने के लिए। यहाँ पे तो फिर भी रिबन्स लगाए लोगों ने ऐसे वाले। मैंने जैकेट वापस पहन ली, गर्मी और ह्यूमिड तो है, बट थोड़े थोड़े मच्छर या अजीब से कीड़े काटते हैं, इसलिए मैंने पहन लिया।
आवाज पास आ गई है बहुत ज्यादा। The unexplored side. Almost there. Ooh-hoo-hoo. नहीं, ऑलमोस्ट पूरा नीचे उतर गए और नीचे जा ही रहे हैं वैली की तरफ। द फाइनल स्ट्रेच ऑफ दिस स्टेप वाटरफॉल। आई एम एट द फाइनल पॉइंट। लाइटिंग और अच्छी हो गई तो मैं फिर से लेने आ गया। अरे यार दादा नीचे बैठ गया। हाँ मोस्टली इस साल का आखिरी वाटरफॉल ट्रैक मेरा, इसके बाद वाटरफॉल ट्रैक होगा नहीं। जो हम इतना नीचे हैं तो भी वैली अभी बाकी है, तो भी अभी बहुत कुछ है। चलो मजा आ गया, चलते हैं वापस। इतने टाइम मैं नया रास्ता ट्राई कर रहा हूँ, मैं इधर से कहीं से चढ़ने वाला हूँ उधर जाने के लिए। तो भैया चढ़ रहे नीचे से, जगह ढूंढ रहे कहाँ से चढ़ना है। पैरागॉन जिंदाबाद, वो भी लोकल पैरागॉन। चढ़ना चालू किया है, क्या लंजेस हो रहे हैं। वो ट्रैक अच्छे लगते हैं, यहाँ तुम चढ़ के मेहनत करके जाते हो और फिर वाटरफॉल मिलता है। यहाँ पे तो उतरो मजे मजे में, फिर वाटरफॉल में फिर चढ़ो मेहनत पे। थोड़ी थोड़ी धूप आने लगी, अब थोड़ा सा थकने भी लगे, काफी ऊपर तक आ चुके हैं। Yes, enjoy the view and take a step at a time. हम वहाँ कहीं तो नीचे वो दिख रहा है। बाकी लोगों के साथ रुकने के लिए इसमें नहाने का समय आ गया। धूप आ गई। यहाँ पे शायद ट्रैक्टर चलाया था बहुत साल पहले, एन ए प्लॉटिंग वगैरह निकाली होगी, फॉरेस्ट वालों ने आके बंद करवा दिया। नाउ नेचर इज क्लेमिंग इट बैक। ऐसे रास्ता बना है यहाँ का ये। बारिश में लेकिन इतना दूर दूर का दिखता नहीं है, वो कितने दूर के पहाड़ दिख रहे हैं, बाप रे। बहुत हरियाली, सब पूरा ब्राउन ब्राउन हो जाएगा अभी गर्मी में। उधर बारिश हो रही है और यहाँ इतनी तेज धूप है, यहीं आ जा थोड़ी सी, चल तो पाएंगे हम। और जाते टाइम हम शमशान के बाजू वाले रास्ते से देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। धूप है बहुत तेज भी। हाँ वो ये है एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ बस स्टॉप। चावल की रोटी डॉगी सोया छोटू सा, थोड़ा पाइए मेरे पास आ ही जाते हैं डॉगी लोग। कालू कालू थोड़ा
यहाँ पे हमने होम लंच किया। इनका रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखो, पत्रे पर से उस पर गिरता है, वहाँ से इधर गिरता है और इससे नीचे इसमें स्टोर होता है। स्मार्ट होते हैं गांव वाले। जब चढ़ रहे थे तब धूप थी और अभी बारिश हो रही है। होटल प्लस वैली, इसके साथ ही आज का ब्लॉग खत्म करते हैं।